हेलो फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड, आज का ये सफ़र होने वाला है फ्रांस के नाम। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश फ्रांस में। तो बांध लीजिए अपना सीट बेल्ट और हो जाइए तैयार। सो लेट्स गो। फ्रांस एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत यूरोपियन देश है। फ्रांस का ऑफिशियल नेम फ्रेंच रिपब्लिक है। यहाँ की जनसंख्या 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस देश को लीडर ऑफ टूरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सालाना 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। इसके बावजूद भी फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस से ज्यादा साउथ अफ्रीका में हैं। दोस्तों, और क्या आपको पता है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी 75% लोग फ्रेंच नहीं बोलते थे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फ्रांस को हेक्सागन भी बोला जाता है, क्योंकि फ्रांस नक्शे में हेक्सागन की तरह दिखता है। फ्रांस ही अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर। फ्रांस में कुल 12 टाइम जोन है, जो कि दुनिया में किसी और देश की तुलना में सबसे अधिक है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीने कालमेन नाम की एक फ्रेंच महिला के ही नाम है, जो कि 122 साल और 164 दिन तक जीवित रही थी। फ्रांस में अपंग या अपाहिज लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। यहाँ के 10 लोगों में से एक लोग अपंग या अपाहिज ही मिलते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, यहाँ पर पिछले 214 सालों तक औरतों का पैंट पहनना गैर कानूनी था। पेरिस एक रोमन शहर था जिसका नाम लुटेटिया था। दोस्तों, आपने मोनालिसा पेंटिंग के बारे में तो सुना ही होगा या फिर देखा होगा, जिसको लिनार्डो दा विंची ने बनाया था। मोनालिसा की असली तस्वीर फ्रांस के ही लोवेर नामक म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, पेरिस सिटी में एक ऐसा बिंदु है जहां से फ्रांस की किसी भी सड़क की दूरी नापी जा सकती है। उस पॉइंट को जीरो पॉइंट बोलते हैं। ये बिंदु नोट्रे डेम कैथेड्रल के मुख्य द्वार पर स्थापित है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, जो हम लोग 1 अप्रैल को एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, यानी कि अप्रैल फूल, उसकी भी शुरुआत फ्रांस देश में ही हुई थी। फ्रांस में पुलिस का या पुलिस की गाड़ी का फोटो खींचना गैर कानूनी है। यहाँ के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, यानी कि यहाँ पर लोग ईसाई धर्म को ज्यादातर मानते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है, यहाँ के 44% लोग नास्तिक हैं। ये लोग किसी भी धर्म या किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग और हैरान कर देने वाला फैक्ट है कि फ्रांस में आप किसी भी मरे हुए इंसान से शादी कर सकते हैं। और फ्रांस के हर शहर में विक्टर ह्यूगो नामक बाजार जरूर रहता है, जो कि एक महान कवि, उपन्यासकार और नाटककार थे। दोस्तों, क्या आपको पता है, फ्रांस में किसी भी सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ पर सांप, मेंढक और घोड़े का मीट बहुत ही चाव से खाया जाता है। फ्रांस के पुरुष औसतन यूरोप में सबसे ज्यादा मोटे हैं, और महिलाएं डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर आती। फ्रांस ने ही सबसे पहले 1789 में मानव अधिकारों को घोषित किया था, यानी कि ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। डिजिटल घड़ी, हॉट एयर बैलून और पैरासूट का आविष्कार भी फ्रांस देश में ही हुआ था, और साथ ही साथ नकली मक्खन का भी आविष्कार फ्रांस देश में ही हुआ था। फ्रांस के लोग किसी और देशों के लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा सोते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके अगले फ्लाइट मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ। थैंक यू।